साथियों, आपने कांड तो बहुत बार सुने होंगे, कभी कभी महाकांड भी होते हैं। आज मैं जिस कांड की बात करने वाला हूं, ये एक ऐसा है जिसमें कि किसी एक सज्जन व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उसने विचार कर लिया वास्तु से अपना मकान बनाने के लिए, और किस्मत फूट गई उसकी तब जब उसने किसी को हायर कर लिया, उस व्यक्ति को जो था चक्रजीवी। और चक्रजीवी ने कैसे वहां पर रगड़ा मचाया और क्या कांड किया उस आदमी के प्लॉट के ऊपर, जीना भारी कर दिया, मकान कभी जिंदगी में बना ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति अगर उनकी बातों में आएगा। आज मैं इसी पर पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि मैं चक्रजीवियों के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाता हूं। और आपको पता है, एक कहावत होती है कि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अकलमंद समझते हैं तब कोई गलती नहीं करते, लेकिन जब सामने वाले को हम बेवकूफ़ समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। साथियों, हम जब एज वास्तु कंसल्टेंट जब किसी के लिए हम बहुत ज़्यादा पेचीदगी पूरी शुरू कर देते हैं, उलझा देते हैं, उसको परेशान कर देते हैं, टेंशन में डाल देते हैं, और जब उसको समझ में आ जाए कि आपके अंदर इंटेंशन क्या चल रही है, क्या चाह रहे हो आप, तो साथियों जो थोड़ी बहुत बची बचाई इज्जत होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोगों का जो हमारा प्रोफेशन है वास्तु का, ये बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। इसमें हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आते हैं, आपके लिए समस्याएं खड़ी करने नहीं आते, उलझाने नहीं आते, परेशानी में डालने नहीं आते। आप बताइए कि आपकी समस्या है, क्या परेशानी है, चुटकी बजा के आपकी समस्या को समाधान देते हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, फंसाते नहीं हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कांड की जो कि एक चक्रजीवी ने आकर कहीं पर कर दिया, और जो दूसरा चक्रजीवी आया उसने तो उस कांड का भी महाकांड कर दिया। बड़ा बर्निंग एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा मैं, गोवा का है ये, भारत में एक राज्य गोवा। वहां पर एक भले आदमी ने मकान बनाने की सोची, आज 9 साल हो गए वो मकान बना ही नहीं पा रहा है। पहले उसकी अपनी परिस्थिति थी, फिर कोई और मजबूरियां थी, मजबूरी के बाद जो है जब वास्तु को उसने इन्वॉल्व करने की कोशिश करी तो उसके बाद तो फंस गया। पर हाँ, अब उसको मैंने गाइड कर दिया है, अब बनाएगा मकान। इसी पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। आप अगर जरा सा भी मानते हैं इस बात को कि आपको सोल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, हम एक कहावत कहते हैं मैनेजमेंट में, वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए, हमें प्रॉब्लम सोल्वर होना चाहिए। हम आपकी समस्या को हल कर दें तभी तो कंसल्टेंट बोलेंगे आप हमें, तभी तो एक्सपर्ट बोलेंगे, तभी तो गुरुजी बोलेंगे। और अगर गुरुजी ने फंसाना ही है, गड्ढे में डालना है, तो फिर गुरुजी कहेंगे। हुए इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, ये वीडियो बहुत काम का है और आंखें खोलने वाला है। जाना चाहते हैं सच्चाई वास्तु की तो इस वीडियो पर चलेंगे आप आखिर तक मेरे साथ, और मैं आपको लेकर चलूंगा उस ठिकाने पर, पहुंचाऊंगा जहां पर आपको मिलेंगे 10 समाधान। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आ गया हूं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर जो टॉपिक मेरे पास किसी ने भेजा है, लेकिन जो भेजने वाला है गोवा का रहने वाला है, एक ऐसी कॉलोनी में रहता है, वो इस जगह पर रहता है जहां पर कि उसके पास एक लंबा प्लॉट है, लंबोतरा प्लॉट है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको उसने डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा, और मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा भी नहीं कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन उस केस को जरूर लूंगा मैं, क्योंकि वो केस अगर मैं उसका लेता हूं तो उसके साथ साथ हजारों लोगों का कल्याण होने वाला है, लाखों का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो फंस रहे हैं या फंसने वाले हैं इस चक्रजीवी के चक्कर में, तो कम से कम वो तो बाहर निकलें। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम को ऐसे ढंग से करो कि जिसमें आपके रास्ते आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। जब भी चलते हो तो सीधे चलो, आप उल्टे मत चलो, उल्टे चलोगे तो फंस जाओगे, गिर जाओगे। आइए लेके चलता हूं मैं। देखिए ये क्या है, किसी का ये प्लॉट है, मैंने बताया ये 18 फीट बाई 76 फीट का है, रियल केस है, गोवा का केस है, मेरे पास केस आया हुआ है, मेरे पास मेल भी आई हुई है इसकी, और समाधान भी इसको दे दिया मैंने। अब ये 18 बाई 76 का प्लॉट है, ये लंबा प्लॉट है, इसमें क्या है कि जिस जगह पर रहता है इसने कहा सर मुझे फ्रंट में 9 फीट जगह खाली छोड़नी है, और पीछे जो है जो बैक साइड है वहाँ मुझे 6 फुट जगह खाली छोड़नी है, लगभग अलाइंड है, लगभग नॉर्थ जो है लगभग सेंटर में पहुँचता है। उसने बोला 1-2 डिग्री का सर फर्क हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा प्लॉट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, और वो चक्रजीवी था, वो चक्र में डील करता था, हो सकता है वास्तु कंसल्टेंट हो या हो सकता है कि कोई आर्किटेक्ट ही हो जिसने इस पे लगा दिया हो, खैर उसकी बात नहीं करेंगे ना, उसका नाम लेंगे हम। तो उन्होंने ये लगा दिया, लगाने के बाद अब क्या वो सोचेंगे इसमें क्या मुसीबत आई, इसमें मुसीबत ये आई
ये देखिए अब होगा क्या कि इस ये जो प्लॉट है आप देख रहे हैं किसी का है, इसमें जब जब चक्र लगाया तो चक्र लगाने वाले ने क्या कहा, चक्र लगाने वाले ने कहा कि देखिए दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट यहाँ पर आ रहा है आपका, ये आपका मास्टर बेडरूम यहाँ बनेगा, ठीक, किचन आपकी जो है साउथ ईस्ट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आपकी किचन बनेगी, यहाँ किचन बनेगी, यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम बनेगा इस जगह पर, और अब ये मास्टर बेडरूम बन गया आपका यहाँ पर, यहाँ पे आपकी किचन बनेगी, यहाँ पर आपका पूजा स्थान बन जाएगा और यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम बनेगा। अब उससे पूछा गया कि मैं यहाँ क्या बनाऊँ, कहते यहाँ पे तो कोई दिशा ही नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, खाली रहेगा, ये प्लॉट आपको खाली छोड़ना पड़ेगा महोदय। ओ वाह, ये देखिए ये भी आपको खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई दिशा ही नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिशा नहीं है, जब जगह जहाँ पे कोई दिशा नहीं है, दिशा तो सेंटर में आ गई ना आपके, तो आपको सब कुछ यही करना है। देखिए बीच में बनेगा मास्टर बेडरूम जिसको कि अगर आपने आगे बना दिया तो उसको यहाँ पे ना लाइट मिलेगी, ना हवा मिलेगी, ना धूप मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, किचन आपके बीच में आ जाएगी, यहाँ पे शॉट बनानी पड़ेगी, इतने पतले प्लॉट के अंदर शॉट कहाँ बनाएगा, वो हवा कहाँ से निकालेगा। अब वो इसी मुसीबत में फंसा हुआ है, पिछले 3 साल से वो इसी चक्कर में फंसा हुआ है कि मैं कैसे बनाऊँ। वास्तु कंसल्टेंट ने कह दिया कि ये जो है यहाँ पीछे कुछ नहीं बनेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर दिशाएं नहीं है आपकी, दिशा तो खत्म हुई वहां पर। अब वो जो है चक्कर में पड़ गया। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक फंसा हुआ था, उसके बाद उसने किसी और को याद कर लिया, किसी और कंसल्टेंट को बुला लिया, उसने आकर के उसकी भूल सुधार किया, उसने बोला कि नहीं सर वो गलत बताया, ऐसा नहीं होता, कैसे होगा, उसने ये बोला कि ये जो चक्कर लगेगा ना, ये चक्कर यही नहीं लगेगा, चक्कर पूरे प्लॉट पे लगेगा। अच्छा जी पूरे प्लॉट पे लगेगा, तो पूरे प्लॉट पे लगाने के बाद क्या होगा, फिर उसने देखा कि अरे ये आ गया S8 तो यहीं पर आ रहा है, अभी भी आ रहा है, ओहो यार ये तो मास्टर बेडरूम तो फिर यहीं बनेगा, किचन यहीं बनेगी, पूजा यहाँ बनेगा और ये बनेगा। उसने भी हाथ खड़े कर दिए, उसने इतना बड़ा चक्कर लगाया, उसने बोला पूरे प्लॉट पे लगेगा, तो ये दिशाएं जो उत्तर आई यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर दक्षिण आ जाएगा, लेकिन मास्टर बेडरूम तो आपका यहीं बनेगा, किचन यहीं बनेगी, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना था मैं क्या करूँ। वाह कितना बढ़िया आइडिया, मतलब जो आ रहा ना अपने अपने कांड करा, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक रखा था कांड किया चक्रजीवियों ने। ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ वास्तु तो नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ऐसे मकान बन नहीं सकता, और अगर कोई बनाया गया ऐसे तो उसको यहाँ पे हवा नहीं मिलेगी, या तो पीछे खाली छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा खाली, छोटा सा प्लॉट उस बेचारेगा उसका, अगर खाली छोड़ देगा प्लॉट तो मकान कहाँ बनाएगा, रहेगा कहाँ, दिशाएं तो यहीं पर सिमट के रहेगी ना, पूरा का पूरा जितना वास्तु था वो तो यहीं घुस के रहेगा बीच में, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं, क्या बनाएगा वो। अब कहां गलती हुई उससे, गलती उससे यह नहीं हुई कि उसने किसी चक्रजीवी को बुलाया, क्योंकि उसने ढूंढा नेटवर्क पर कहीं से, किसी ने बताया होगा, कहीं से पूछा उसने, उसने बुला लिया, अब उसके बाद गलती हो गई उससे, अब यह तो मकान बन नहीं पा रहा है, खाली पड़ा प्लॉट। अब उसके पास समाधान क्या था, बड़ा अच्छा समाधान, बहुत आसान साथियों, ये चीजें बड़ी आसान होती हैं, जब मैं उसमें कुछ फंसाता हूँ ना, जब कोई भी वास्तु कंसल्टेंट्स में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, उसको फंसाता है, उसको परेशान करता है, उसमें और ज़्यादा समस्याएं खड़ी करता है, इसका मतलब उस कंसल्टेंट के माइंड में कुछ घूम रहा है, क्योंकि चक्कर के बाद मैंने आपसे बोला है कम से कम 20 वीडियो बना दी अब तक मैंने, और आपको बताया कि पहले ये चक्कर लगता है, चक्कर आपके लिए समस्याएं खड़ी करता है, इसके बाद में 50 वास्तु दोष हो जाते हैं, और फिर उनकी रेमेडी के लिए उनसे पहले, रेमेडी से पहले इसका एक बार चार्ट बनाया जाता है, बार चार्ट याद कर लेना, ये भी बनाया जाता है, बनाते हैं ये चक्रजीवी, और बार चार्ट बनाने के बाद में फिर रेमेडी भिड़ाई जाती हैं, लगाई नहीं जाती, यूज नहीं की जाती, भिड़ाई जाती हैं, भिड़ाएंगे तभी तो कमाएंगे ना वो, मतलब लेकिन कमाना नहीं हुआ पैसा बनाना। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बेइंसाफी और बहुत बड़ा ये नाइंसाफी है कि अगर कोई मकान बना रहा है तो उसके लिए हम वास्तु वाले बेचारे ने, अगर वास्तु में बिलीव करता है तो उसको हमने फंसा दिया, ये गलत तरीका है। और ये अगर आप मेरे, आप मुझे जितने भी सब्सक्राइबर जो मुझे, जिन्होंने जो मुझे जानते हैं, जो मेरी वीडियो देखते रहते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो सीखते रहते हैं, उनके पास समाधान अब तक मिल गया है, मुझे पता है आप में से 70-80-90% लोगों के पास समाधान इसका आ चुका है। आपका मन कह रहा होगा भारद्वाज जी तो बड़ा आसान केस है, इसमें उलझा हुआ क्या है, मैं सुलझाता हूँ, मैं वही बताऊंगा मैं आपसे, उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया था मेरे चैनल को अभी, या जिन्होंने देखा है पहली बार, जो वीडियो पर पहली बार आए हैं, वो समझेंगे इसके अंदर कांड क्या हुआ था। देखिए पहली जो स्थिति मैंने बताई 2-3 वीडियो के अंदर, 2-3 अपनी स्लाइड में, वो मकान बना नहीं पाएगा, जिंदगी निकल जाएगी ऐसी, क्योंकि वास्तु वाला जो भी आ रहा ना अपनी अपनी कारीगरी कर रहा है, और सबके सब चक्रजीवी है, वो चक्कर का इसमें कोई रोल नहीं है, चक्कर केवल चक्राकार प्लॉट पे लगाया जाता है, जो प्लॉट राउंड होते हैं
मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा शास्त्रों के हिसाब से, वो आपको सारे डायग्राम बताऊंगा कि किस शास्त्र में किस डायग्राम के लिए कैसे के शेप के लिए क्या बताया, पहले भी बताया मैंने, और आपको बताऊंगा। केवल गोल प्लॉट के बारे में है ये जो चक्र लगता है, लंबे प्लॉट के बारे में नहीं है, आयताकार के बारे में नहीं है, वर्गाकार के बारे में भी नहीं होता, लेकिन चिपकाने से मजा आता है वास्तु वालों को। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, बड़ा आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। आप अगर यहां पे अगर आपका उत्तर आ जाता है तो यहां पे दक्षिण आ गया, ठीक, इधर पूरब आया, इधर इधर आ गया पश्चिम हमारा, तो जो दक्षिण दक्षिण पश्चिम बनेगा साथियों, ये पूरा का पूरा ये आपका साउथ वेस्ट है, ये आपका दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज, ये नैऋत्य कोण है, ये दक्षिण के मध्य से पश्चिम के मध्य में नृत्य कोण है। इसका मतलब अगर आपको मास्टर बेडरूम बनाना है साथियों तो आप कहां बनाएंगे, आप यहां बनाएंगे इस जगह पर, ये अपना जो 6 फुट छोड़ना है वो छोड़ दिया, उसके बाद आपका मास्टर बेडरूम बनेगा, उसके बाद आपका टॉयलेट बनेगा, टॉयलेट के बाद कुछ और बनेगा, और जैसे आपने बनाना किचन बड़े आराम से यहां बन जाएगी आसानी से। ये साउथ ईस्ट है साथियों, ये इसका साउथ वेस्ट है, नैऋत्य कोण ये है इसका, ये नैऋत्य कोण है, ये वाला नैऋत्य कोण है, ये इसका आग्नेय कोण है, समझ लेना इस बात को, अगर नहीं समझेंगे तो फंस जाएंगे, जिंदगी में कभी मकान बना ही नहीं पाएंगे, ठीक। इसके बाद आया ईशान कोण, ईशान कोण साथी ये नहीं है, गलत, बिल्कुल गलत, ईशान कोण आपका यहां आएगा, ये पूरा का पूरा नॉर्थ के सेंटर से लेके ईस्ट के सेंटर के बीच में ये हमारा जो है, ये हमारा ईशान कोण आता है, जिसको वाटर एलिमेंट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हम, ये ईशान कोण है, यहां पर आप पूजा स्थान यहां से लेके यहां तक जहां चाहे बनाएंगे, और ये पूरा का पूरा इसका बनेगा नॉर्थ वेस्ट। वास्तु में हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलते हैं हम, मैक्रो का मतलब विशाल और माइक्रो का मतलब अंदर, पहले पूरे प्लॉट को देखो, प्लॉट के बाद बिल्डिंग को देखो, और ये चक्र वक्र को दिमाग से निकालो, अगर दिमाग में आपको ये चक्र घुसा रहा तो गई जिंदगी, फिर नहीं निकल बनता कभी मकान आपसे। अब मैंने इसको समाधान दे दिया है, बहुत जल्दी शुरू करने वाला है, मुहूर्त की बात भी इसकी हो गई है, अब ये मकान बनाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अब चक्र को उसमें निकाल के सबसे पहले हमने फेंका तो उसके बाद समाधान मिला। साथियों तरीका जीने का वो बनाओ जिसमें कि आपको एक अच्छा जीवन मिले, टेंशन ना मिले, आपको क्लैरिटी मिल जाए, और गुरु ऐसा पकड़ो जो वास्तव में गुरु हो, जो आपको समाधान देने वाला हो, आपको समस्याएं देने वाला ना हो, आपको मुसीबत देने वाला ना हो, आपको दुख देने वाला ना हो। समझ गए ना मेरी बात को, इशारा मैं करता हूं, समझते आप हैं, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे माइंड में चल रहा है, जिसकी डिमांड मेरे कंप्यूटर पे आ चुकी है, मेरे पास मेल भी आई है, मेरे पास लोगों ने अपने अपने कमेंट्स भी भेजे। साथियों आपके जो कमेंट्स होते हैं उसी से मुझे टॉपिक मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते हैं, और आपकी जो समस्या जहां फंसे होते हैं उसको सबसे पहले लेता हूं मैं, क्योंकि सबसे पहले मुसीबत से बाहर निकालना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है, और मेरा फर्ज भी है। अगले वीडियो फिर आपसे मुलाकात करूंगा, और हाँ, आपने अगर चैनल को, मेरे चैनल को आज पहली बार देखा था तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आता है, आते रहते हैं एक दिन बीच, दो दिन बीच आते रहते हैं, जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मेरा नया वीडियो आ गया है। वीडियो देखते रहिए, जिस दिन आपका दिल कहेगा कि आपने मेरे 6 महीने के 1 साल के वीडियो देख लिए, तो फिर उसके बाद वास्तु जो है आपके लिए चुटकी वाला काम हो जाएगा, सब कुछ आपकी समझ में आएगा, कहीं भी कोई आपको लपेटे में लेने वाला नहीं होगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।